यही विषय और पढ़े लिखे हैं। आया भी बहुत नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ शिमला के रिज मैदान में और यहाँ पर जो है मेरी नज़र एक अंकल जी पर पड़ी और यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर नमकीन तरह तरह की बनाते हैं और काफ़ी फेमस है। पिछले 47 सालों से जो है ये यहाँ पर ही बैठते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मैं रतनलाल गौतम जी, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पिछले 47 वर्षों से अपना चना जोर गर्म बेचकर अपनी आजीविका कमा रहा हूँ। क्या 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 बनाते हैं आप? मेरे पास ही 4 आइटमें हैं। एक तो मैं मूंगफली बेचता हूँ और एक मेरे पास चना है, एक मेरे पास पोटैटो चिप्स है और एक मेरे पास इन सब का एक मिक्स है। तो ये सारा कुछ आप घर पे तैयार करते हो या मार्केट से बना? नहीं, मैं मार्केट से कच्चा माल उठा के अपने घर में बनाता हूँ और यहाँ तैयार करके बेचता हूँ। मतलब काफ़ी 47 सालों से आप बेच रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं? सब लोग पसंद करते हैं जी, सब लोग खाते हैं और खुश होते हैं। ठीक है, तो अभी आप हमें थोड़ा सा तैयार करके दिखाएंगे? बिल्कुल। वैसा ही कौन तैयार कर रहे हैं जैसे बचपन में मूंगफली मिलती थी, इसमें बचपन में मिलती थी? इसमें क्या क्या है? काकड़ चने हैं, इसमें काकड़ चने हैं जी, पोटैटो चिप्स हैं और मूंगफली है। अच्छा, ये सारी चीजें स्पेशल इसमें मसाला भी डालते होंगे? मसाला डाला हुआ है। अच्छा, डाला है, हर चीज में मिलाई है। अच्छा, कितने का देते हैं ये? 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ का। तो हम भी यहाँ पर शिमला में पहुँचे हैं और इस मैदान में, और हमने भी इस चने जो स्पेशल चने चाट है जिसमें सब कुछ मिक्स है उसका इंजॉय जो है हमने किया। तो आप भी अगर शिमला आएँ तो यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ जो है वो टेस्ट करें, क्योंकि अंकल जी काफ़ी सालों से जो है यहाँ पर ये बना रहे हैं और काफ़ी लोगों का पसंदीदा ये चाट बनी हुई है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। अंकल जी इतने फेमस हैं कि रिज मैदान में होने वाली कई फिल्मों की शूटिंग में जो है वो अंकल को दर्शाया गया है चने बेचते हुए।